साथियों, हमारी सरकार को अब 10 साल हो रहे हैं। इन 10 वर्षों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे, युवाओं के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करें। आज चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, एंटरप्रेन्योरशिप या इमर्जिंग सेक्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, स्किल्स या स्पोर्ट्स हो, देश के युवाओं को सपोर्ट करने के लिए हर क्षेत्र में एक आधुनिक डायनेमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत को एक स्किल्ड फोर्स के रूप में देख रही है। विदेश में हमारे युवा अपना कौशल दिखाया पाए, इसके लिए सरकार विदेश जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे अनेक देशों के साथ सरकार ने जो मोबिलिटी समझौते किए हैं, उसका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसरों का आसमान खोला जाए, सरकार इसके लिए हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम कर रही है। देश में ड्रोन सेक्टर के लिए नियम सरल बनाए गए हैं। सरकार आज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर्स को प्रमोट कर रही है। एटॉमिक सेक्टर, स्पेस और मैपिंग सेक्टर को भी खोला गया है। आज हर क्षेत्र में पिछली सरकारों से दोगुनी तिगुनी रफ्तार से काम किया जा रहा है। ये जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, वो किसके लिए है? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। ये जो नई नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, वो किसकी सहूलियत के लिए? आपके लिए, भारत के युवाओं के लिए। हमारे लोग विदेश जाते थे, वहां के पोर्ट, वहां के एयरपोर्ट देखकर सोचते थे कि भारत में ऐसा कब होगा। आज भारत के एयरपोर्ट्स दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के समय आपने देखा है, विदेशों में वैक्सीन के सर्टिफिकेट के नाम पर कांगड़ थमाया जाता है। ये भारत है जिसने हर भारतवासी को वैक्सीन लगाने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया। आज दुनिया के कितने ही बड़े देश हैं जहां पर लोग मोबाइल डेटा इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहीं आप भारत के युवा हैं जो इतना सस्ता मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया के लोगों के लिए अजूबा है, कल्पना से परे है।